महेंद्र सिंह धोनी, द ग्रेटेस्ट एंड द कूलेस्ट कैप्टन। धोनी जिस तरह मुश्किल परिस्थितियों में खुद को संभालते हैं, ये फैंस को बहुत सही लगता है। धोनी ने अपने साथियों की गलतियों पर भी बिना गुस्सा किए कई बार इंडियन टीम और चेन्नई सुपर किंग्स को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला है, इसलिए तो उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। लेकिन कई बार उनका गुस्सा साफ दिखा भी है, जैसे साल 2018 मनीष पांडे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए मैच में इस गुस्से का शिकार बने थे। इसके अलावा आईपीएल में ऐसा कई बार हो चुका है, कभी धोनी ने गुस्से में ड्रेसिंग रूम में हेलमेट और पैड्स फेंक दिए, तो कभी बीच मैच अंपायर से लड़ने मैदान में घुस आए। लेकिन इस वीडियो में हम उन सब पर नहीं जाएंगे। इस किस्से में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बार प्लेइंग 11 से बाहर बैठे श्रीसंत भी धोनी के गुस्से का शिकार हो गए थे। बीच मैच गुस्साए धोनी ने मसाज करा रहे श्रीसंत को तुरंत इंडिया भेजने की धमकी दे दी थी। इस किस्से के बारे में अश्विन ने अपनी किताब आई हैव द स्क्रीट्स में बताया है और बताया है कि कैसे धोनी और श्रीसंत की इस बातचीत में वो फंस गए थे। बात साल 2010-11 के साउथ अफ्रीका दौरे की है। आर अश्विन को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया था। 5 मैच की इस वनडे सीरीज में 3 मैच के बाद टीम इंडिया 2-1 से आगे थी। चौथा मुकाबला गबेखा में होना था। एकदम गर्म और उमस भरे दिन में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुन ली थी। मैच से पहले नेशनल एंथम नहीं हुआ क्योंकि पूरे शहर की बिजली गुल थी, लेकिन वहां का फेमस ब्रास बैंड फुल फ्लो में था। मैच शुरू हुआ, अश्विन इस मैच में ड्रिंक्स कैरी कर रहे थे। विकेट कीपिंग कर रहे धोनी करीबन हर 2 ओवर्स के बाद अश्विन को पानी के साथ बुलाते, और इसी दौरान एक बार पानी पीते हुए धोनी ने अश्विन से पूछा, श्री कहाँ है? धोनी का यह सवाल बहुत ही नॉर्मल अंदाज में था। अश्विन ने भी 2 पल के लिए सोचा कि मैं क्या कहूं, क्योंकि जाने ये बात किस तरीके से ली जाए। धोनी ने फिर जोर देकर कहा कि उनको खोजो। फिर अश्विन ने धोनी को बताया कि श्री यानी श्रीसंत ऊपर ड्रेसिंग रूम में है। ये जानने के बाद धोनी ने अश्विन से कहा कि उनको जाकर कहिए कि उनको नीचे आना होगा और रिजर्व प्लेयर्स के साथ बैठना होगा। अब श्रीसंत धोनी का मैसेज लेकर वापस डगआउट की तरफ आए, लेकिन दिक्कत ये कि श्रीसंत का टेम्परामेंट कैसा है ये सबको पता है। ऐसे में अश्विन ने जाकर मुरली विजय को ये बात बताई। अश्विन ने मॉन्क यानी कि मुरली विजय से कहा, हाय मॉन्क, एमएस ने श्री को नीचे बुलाने के लिए कहा है। ये सुन मॉन्क बोले, हाय आप जाकर उनको बताओ, मेरे से ये करने की उम्मीद मत करो। अब धोनी के फिर ना पूछ लेने के डर से अश्विन दौड़े दौड़े ऊपर चेंजिंग रूम की तरफ गए, जहां पर श्रीसंत बिना कपड़ों के मसाज ले रहे थे। अश्विन ने श्री से कहा, श्री एमएस चाहते हैं कि आप नीचे आ जाओ। ये सुन श्रीसंत बोले, क्यों आप पानी नहीं ले जा सकते? श्री की बात सुन अश्विन ने बताया कि धोनी चाहते हैं कि वो नीचे आकर बैठे, गेम के समय रिजर्व प्लेयर्स को साथ बैठना चाहिए। अश्विन की पूरी बात सुनने के बाद श्री बोले, ओके आप जाओ मैं आ जाऊंगा। डगआउट लौटने के बाद अश्विन की ग्राउंड ड्यूटी फिर से शुरू हो गई। इस बार धोनी ने अश्विन से हेलमेट मंगवाया। वहां पहुंचने के बाद अश्विन ने धोनी के चेहरे पर गुस्सा देखा, और गुस्से में ही धोनी ने अश्विन से फिर पूछा, श्री कहाँ हैं? वो क्या कर रहे हैं? अश्विन बोले कि वो मसाज ले रहे हैं। धोनी ने ये बात सुनी और फिर कुछ नहीं कहा। अश्विन वापस डगआउट लौट गए, लेकिन अगले ही ओवर में उन्हें हेलमेट लेने वापस मैदान पर आना पड़ा। इस बार धोनी ने अश्विन से कहा, एक काम करो, रंजीव सर टीम के टूर मैनेजर, उनके पास जाओ, उनको कहो कि श्री को यहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो श्री की कल की टिकट बुक कर दे ताकि वो वापस इंडिया जा पाए। ये सुन अश्विन चौंक गए, उनको नहीं पता कि अब क्या कहा जाए। वो बताते हैं कि वो इस दौरान धोनी की शक्ल देखते रहे। ये देख धोनी फिर बोले, क्या हुआ अब आपको इंग्लिश भी समझ नहीं आ रही है? ये सुन अश्विन वापस डगआउट की तरफ लौटे और सीधा भागते हुए ऊपर श्री के पास पहुंच गए। उनके पास जाकर कहा कि एमएस बहुत गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि आप अगली फ्लाइट से घर जा सकते हैं। ये सुन श्री फटाफट उठ तैयार होकर नीचे भागते हैं और ड्रिंक्स की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। इस बार जब धोनी ड्रिंक्स के लिए बुलाते हैं तो अश्विन की जगह श्रीसंत दौड़े दौड़े जाते हैं, लेकिन धोनी ठहरे धोनी। उन्होंने इस ब्रेक में फिर अश्विन को बुलाया और उनसे पूछा, आपने मेरा मैसेज रंजीव सर तक पहुंचाया या नहीं? अब तो अश्विन के पास कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने श्री की ओर कातर निगाहों से देखा, मानो कह रही हूं अब मैं क्या ही करूं। और ये सही भी था, कैप्टन जो कहेगा वो करना तो पड़ेगा ही। खैर ये बवाल बहुत आगे नहीं बढ़ा, श्री और माही ने मिलकर इसे सॉल्व कर लिया और श्री को अगले दिन वापस नहीं लौटना पड़ा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा, स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।